आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है आप लोगों का उसके ऊपर, और उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट आए जिसमें लोगों ने मुझसे पूछा कि एनसीसी कैसे ज्वाइन करनी है। किसी ने कहा कि मेरे कॉलेज के अंदर एनसीसी नहीं है तो क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। किसी ने पूछा कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, अब क्या मैं एनसीसी ज्वाइन कर सकता हूँ। बहुत के क्वेश्चन आए कि मैं अब थर्ड ईयर के अंदर हूँ सर, क्या मैं अब एनसीसी ज्वाइन कर सकती हूँ। तो इन सारे क्वेश्चनों का जवाब और भी बहुत सारी एनसीसी के बारे में बातें मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो देखिए इस वीडियो को एंड तक। मैं दोबारा से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमको एनसीसी कैसे ज्वाइन करनी है, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी कंडीशन इसकी क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल का भी हो सकता है तो भी वो एनसीसी ज्वाइन कर सकता है, उसका अच्छा मॉरल करेक्टर होना चाहिए, किसी ना किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है इसके अंदर कि कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं है, यानी कि अगर सीधी लैंग्वेज में कहें कि अगर वो पढ़ाई नहीं करता तो हम नहीं कह सकते कि वो एनसीसी ज्वाइन कर सकता है, वो एनसीसी ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और नेक्स्ट है बाई मेट्स प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल कंडीशन, कुछ मेडिकल कंडीशन होती है एनसीसी ज्वाइन करने के लिए जो उसको फॉलो करने होते हैं। ये बेसिक मेडिकल होता है, पर्सन शुड बी मेडिकली फिट, बस जस्ट एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होता है हमको हमारे फॉर्म के साथ जिसमें हम अप्लाई करते हैं। तो अब बात मैं आपको बताऊं कि एनसीसी दो तरीके की होती है, दो तरीके की कैसे, मतलब दो डिवीजन होते हैं, एक जूनियर डिवीजन होती है एक सीनियर डिवीजन होती है। जूनियर डिवीजन होती है जो स्कूल लेवल पे होती है ज़्यादातर, और सीनियर डिवीजन होती है कॉलेज लेवल पे, ठीक है। जूनियर डिवीजन के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है जो स्कूल के ज़्यादातर अप्लाई करते हैं, तो उसमें होता है 13 साल से लेकर 18.5 साल तक का पर्सन ज्वाइन कर सकता है जूनियर डिवीजन के लिए। और अगर कोई पर्सन सीनियर डिवीजन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अप टू 26 ईयर, मतलब 18 का 17 का भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितने से भी लेके वो 26 साल तक का अगर है तो वो सीनियर डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसे ही जूनियर डिवीजन हम बॉयज़ के लिए कहते हैं, जूनियर विंग हम गर्ल्स के लिए कहते हैं, सीनियर डिवीजन हम बॉयज़ के लिए कहते हैं, सीनियर विंग हम गर्ल्स के लिए कहते हैं। तो ये पार्ट होते हैं एनसीसी के, जूनियर लेवल पे और सीनियर लेवल पे। अब जो जूनियर विंग की जो टाइम पीरियड होता है वो 2 साल का होता है, और जो सीनियर विंग का है ना वो 3 साल का होता है। यानी कि अब 3 सर्टिफिकेट होते हैं एनसीसी के अंदर, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। इस बात को ध्यान से समझना कि अगर किसी ने स्कूल में एनसीसी नहीं लिया है, मतलब अगर उसके पास ए सर्टिफिकेट नहीं है तो भी वो बी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर किसी ने स्कूल के अंदर एनसीसी नहीं लिया है, किसी के पास ए सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई बात नहीं है, वो कॉलेज में जाके डायरेक्ट बी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है, बी सर्टिफिकेट ले सकता है। लेकिन अगर किसी के पास बी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो सी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, पहले उसको बी करना होगा फिर उसको सी करना होगा। इसीलिए सीनियर डिवीजन 3 साल का होता है, फर्स्ट ईयर नॉर्मल होता है, सेकेंड ईयर के अंदर बी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है, और जो थर्ड ईयर ऑफ एनसीसी होता है उसके अंदर सी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है, ठीक है। आई होप आप इस बात को समझ पाए। एप्लीकेशन ऑफ एनरोलमेंट स्टूडेंट डिजीरियस ऑफ बीइंग एनरोल्ड इन द सीनियर डिवीजन शैल अप्लाई टू द ऑफिसर कमांडिंग नियरेस्ट, ये ऐसे करना होता है हमको कि ये तो इसके अंदर लिखा हुआ है जो प्रोसेस है। वास्तव में होता है क्या है कि आप जिस भी कॉलेज या स्कूल में हो, अगर वहां पे एनसीसी है तो आप स्कूल में हो तो डायरेक्ट प्रिंसिपल सर से जाके बात करिए, अपने टीचर इंचार्ज से, क्लास इंचार्ज से बात कीजिए कि सर आई वांट टू ज्वाइन द एनसीसी, मुझे क्या क्या करना होगा, तो वो आपको बताएंगे, ठीक है। अगर आप स्कूल में हो तो, और आपके प्रिंसिपल सर के साइन होंगे उस चीज़ पर, फॉर्म वगैरह होते हैं और आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो इजीली, अगर आपके स्कूल के अंदर एनसीसी है तो। सेकंड, कॉलेज की अगर बात करें तो कॉलेज में बहुत लोगों को नहीं पता होता कि एनसीसी को ज्वाइन कैसे करना है, कहाँ पे क्या करना होगा। कॉलेज में हम नए जाते हैं और कॉलेज में ऐसा माहौल भी नहीं होता जैसा स्कूल में होता है, हमको बता देते हैं सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होता, हमको नोटिस बोर्ड पर देखना पड़ता है चीज़ों को। तो आपको क्या करना है, जब भी आप किसी कॉलेज में जाते हो, कॉलेज को ज्वाइन करते हो, वैसे ही आप वहाँ पे जाके उसका नोटिस बोर्ड चेक करो और पूछो एंक्वायरी में जाके कि एनसीसी रूम कहाँ पर है। आप एनसीसी रूम पर जाओगे तो वहाँ पे आपको एनसीसी बॉयज़ या गर्ल्स मिलेंगी, वहाँ के सीनियर अंडर ऑफिसर, जूनियर अंडर ऑफिसर मिलेंगे, उनसे जाके बात करो कि मुझे एनसीसी ज्वाइन करना है, तो वे बताएंगे कि आपको कब फॉर्म निकलेंगे या कब कब से एनरोलमेंट स्टार्ट होगा, क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है, क्या क्या आपको करना होगा एनसीसी ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अब देयर इज प्रोविजन फॉर स्टूडेंट रिजर्वेशन ऑफ एनीवन फ्रॉम द एजुकेशन दैट आर नॉट एस्टैब्लिश्ड एज एनसीसी सब यूनिट्स। हाँ, अब बात ये आती है कि कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे स्कूल के अंदर तो एनसीसी है ही नहीं, हमारे कॉलेज के अंदर तो एनसीसी है ही नहीं, तो हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके स्कूल के अंदर एनसीसी नहीं है, अगर आपके कॉलेज के अंदर एनसीसी नहीं है, और आपको पता है कि आपका जो साइड वाला कॉलेज है या साइड में स्कूल है, जो पास में स्कूल है उसके अंदर एनसीसी है, तो आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हो कि सर मुझे एनसीसी ज्वाइन करनी है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एनरोल करो,
तो वे आपकी हेल्प जरूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप डेडिकेटेड होंगे एनसीसी के प्रति। तो आप उन्हें कहो कि हाँ, जो भी ड्रिल्स होंगी, जब भी आप बुलाओगे मैं ज़रूर हाजिर हो जाऊँगा। एक बार के लिए तो उन्हें कम से कम कन्विंस करो कि हाँ मैं आ जाऊँगा, बाद में कोई मजबूरी होती है तो ऐसी कोई बात नहीं है, वे भी पर्सन आपकी बात को समझेंगे, लेकिन एक बार के लिए उन्हें कन्विंस करो कि जब भी एनसीसी को हमारी ज़रूरत होगी हम वहाँ पर उपस्थित रहेंगे सर। सो आई होप अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना रिप्लाई करूँगा। मैं इस वीडियो के अंदर आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को कमेंट में पूछें, मैं उसका आंसर दूंगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उससे क्या होता है कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, एक बेल वाला आइकन होता है उसको दबाने से, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप पूछो मेरे से कमेंट बॉक्स में, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको जानना है कि कैंप्स कौन कौन से होते हैं, SNIC क्या होता है, NIC क्या होता है, TSE थल सैनिक कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कैंप, रिपब्लिक डे कैंप, जो आप परेड देखते हैं उसमें भी NCC के कैडेट्स होते हैं, तो वहाँ पर कैसे सिलेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इसी एक्सक्लूसिव चैनल पर जिसका नाम है प्राउड ग्रुप ऑफ NCC। जय हिंद।